फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप में कॉल ऑपरेटर को कैसे अनेबल और डिसेबल करते हो, आज के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको ऊपर तीन लाइन पर प्रेस करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है नोटिफिकेशंस में, यहाँ पर आपको मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए कॉल्स ये रिंगटोन है और वाइब्रेट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, आपको वाइब्रेट पे प्रेस करना है। वाइब्रेट में आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑफ है, डिफ़ॉल्ट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, आप जो चाहें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ सेलेक्ट कर देना है। इसको ऑफ़ करने के बाद अगर व्हाट्सअप की कॉल है तो आपको वाइब्रेट नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है तो फिर से यहाँ पर वाइब्रेट पर प्रेस करना है। डिफ़ॉल्ट पर सेलेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाइब्रेट शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप यहाँ पे लॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से व्हाट्सएप में वाइब्रेट कॉल को चेंज कर सकते हैं, उसको टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेक्सिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।